हर होन, ये बताइए आप जिस शहर में हैं, आपको आइडिया है यहाँ के एमएलए और एमपी का नाम क्या है? हमारे शहर के एमएलए का नाम है श्री बिरंची नारायण, और बस इतना ही जानते हैं कि ठीक ठाक काम कर रहे हैं और हमें लाभ हो रहा है, पर उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। बहुत सुंदर आपकी बात से लग रहा है कि जो आपके एमएलए हैं बिरंची नारायण जी, उनके काम से आप सेटिस्फाइड हैं, और ये आप बता रहे हैं कि ठीक ठाक है। ठीक नहीं है, ठीक ठाक है आप बता रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी ठीक है, आपने कहा कि ठीक ठाक है, आपने ठीक है ये नहीं कहा, नहीं ठीक है ये भी नहीं कहा आपने, आपने कहा कि ठीक ठाक है। हाँ। वो आपने क्या कहा, बहुत सारे काम कराए वो। हाँ। और बहुत सारे काम जो है अभी कराने हैं, अभी तक नहीं कराए। हाँ। तो ये बताइए कि क्या क्या आपको नॉलेज है, क्या आप बहुत सारे काम कराए हैं, क्या नहीं कराए हैं, इसके बारे में बताइए जरा। देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैं चास में रहता हूँ। बोकारो का एक जगह का नाम है चास, और वहाँ पे पहले की जो, अगर पहले की बात करें तो स्ट्रीट लाइट्स, रोड, ये सब उतना अच्छा नहीं था। पर अब अगर आप बात करें तो मेरा शॉप भी वहाँ पे, उसके बाद जो रोड है। क्या शॉप है मेरा, आपका? मेरा दो शॉप है, एक क्या है बोकारो ऑप्टिकल्स जो कि स्पेक्स का है। अच्छा। और दूसरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड जो स्पोर्ट्स का सारा सामान हम रखते हैं। अच्छा। तो उसके बाहर का जो रोड है, हाँ, अब की बात करें तो बहुत ही अच्छा है, मार्बल लगा हुआ है, और जो स्ट्रीट लाइट्स है बहुत ही अच्छे ढंग से झगमगाती है रात में। उससे हम थोड़ा प्रसन्न हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो ये आपको लग रहा है कि उन्होंने स्ट्रीट लाइट वगैरह पे काम कराया है। ये आपका ये करना है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी भी चास का पहले के मुताबिक अभी काफी अच्छा हुआ है। पहले 24 घंटे में आई थिंक 12 घंटा लाइट नहीं रहता था, पर आजकल वैसा नहीं है, बहुत कम ही लाइट की समस्या आती है। देखिए, जहां तक आप बता रहे हैं कि आपके एमएलए ने आपका लाइट बनाया है, मार्बल लगा है, जहां तक मुझे नॉलेज है, ये लाइट का काम और मार्बल का काम, ये जो है जो मेयर होते हैं आपके, मेयर वो करते हैं, और मेयर ने जो काम किया है उसका श्रेय आप जो है आप अपने विधायक को दे रहे हैं। तो ये तो बड़े दुख की बात है कि काम किसने किया और श्रेय आप जो है किसी और को दे रहे हैं। चास के मेयर ने, माफ कीजिएगा, भोलू पासवान जो चास के मेयर है, उनका इसमें ज्यादा हाथ रहा है, और उन्हीं का मुझे लगता है 99% हाथ उन्हीं का रहा है। पर बहुत सारी चीजें, आप अगर बात करें तो देश का, अगर आप बात करें एक साथ जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो बड़े बड़े, देखिए एमपी देश का सिर्फ डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, उनके अंडर में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और उनके भी अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो कि अपना काम पार्ट वाइज निभा रहे हैं। तो मैंने गलत कहा, पर हाँ, मेयर जो है भोलू पासवान जो चास में जो मेयर है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरे पिताजी चलिए लगे हाथ उनसे प्रभावित है। चलिए, अच्छी बात है। आप लगे हाथ ये बता दीजिए कि आने वाले समय में क्या चाहते हैं, यहाँ के जो नेता है, प्रशासन है, यहाँ के जो कार्य योजना बनाने वाले हैं, किस किस चीज की कार्य योजना बननी चाहिए? आपके तो 2-3 साल से हवाई अड्डा का प्रोजेक्ट भी खटाई में पड़ा हुआ है। समाचार ही समाचार हम लोग देखते हैं कि उद्घाटन हुआ तो ये हुआ, तो पेड़ कटाई हो रहा है, इसी तरह के समाचार। हवाई जहाज अभी तक देखने को नहीं मिला है, केवल समाचार ही मिलता है। सही कह रहे हैं सर, 4 साल पहले एक और समाचार आती थी, जो कि आपने देखा होगा जब चास जाते हैं आप, सर आप खुद जब जाते हैं तो एक नया ब्रिज बना है, तो ब्रिज बनने के पहले भी बहुत बहुत साल से वो ब्रिज बन रहा था, पर फाइनली आई थिंक 2 साल पहले वो ब्रिज जाके तैयार हुआ। तो देखिए, अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो ज्यादा मैं अपनी राय नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ 19 साल का हूँ, और ज्यादा मैं अंदर पॉलिटिक्स के बारे में जानता नहीं, जितना बड़ा हो रहा हूँ उतना धीरे धीरे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरी इस वक्त राय ले तो मैं चाहता हूँ कि देश का भला हो, जितने भी मेयर हैं, जितने भी एमएलए हैं, वो अपना काम पूरी तरीके से निभाएं, अच्छे से करें, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, धन्यवाद। आप देख रहे थे अपना शहर अपना विचार, और अभी जिस युवा से हम लोग बातचीत कर रहे थे, एक बार कृपया अपना नाम दोबारा बताइए। मेरा नाम सर रोहन सरकार है, और मैं अभी 12th पास करके कॉलेज ढूंढने में लगा हुआ हूँ। किस चीज में रुचि है आपकी? मेरी रुचि सर, अगर आप प्रोफेशनल
की बात करें तो मैं प्रोफेशन से एक्टर बनना चाहता हूँ, पर अगर पढ़ाई भी मैं कर रहा हूँ एज अ बैकअप, और पढ़ाई में मैं बीए इकोनॉमिक्स पढ़ने की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ अपनी हॉबी के बारे में बताइए। सर, हॉबी मेरी एक्टिंग है, मुझे बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में मैं एक अच्छा एक्टर बन सकूँ। अभी तक के क्या क्या प्रोजेक्ट शूट किया आपने उसके बारे में बताइए। सर, मेरी खुद की एक YouTube चैनल है जहाँ पर मैं अपने खुद राइटिंग करता हूँ, खुद एक्टिंग करता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे वीडियोस में, और अभी तक मैंने कुल 12-13 वीडियोस बना चुके हैं और मैंने चैनल पे डाल दिया है, और मेरे चैनल का नाम है रोहन सरकार। तो प्लीज आप जाए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत सुंदर। कोई इंसिडेंस बताइए, कोई आप शूट कर रहे हो, स्टोरी बना रहे हो, उसमें क्या क्या दिक्कत आई, क्या क्या प्रॉब्लम आई? सर, शुरू में तो काफी दिक्कत आई, अभी भी आती है, पर शुरुआत, हर चीज की शुरुआत करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उस समय काफी सारे चीज माइंड में चल रही होती है, नर्वसनेस होती है कि फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, पब्लिक उसे पसंद करेगी कि नहीं। तो फर्स्ट वीडियो जब हम बना रहे थे तो उस समय कैमरा की जरूरत थी, माइक की जरूरत थी, पर हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स नहीं होते थे। फिर भी हमने हार नहीं मानी, मेरे दोस्तों ने हार नहीं मानी और शुरुआत की, और अभी हमारे पास कैमरा भी है, माइक भी है, नए नए टैलेंट्स भी कुछ कुछ हमारे साथ जुड़े हैं जो कि एक्टिंग को लेकर बहुत ही सीरियस है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से लोग हमारे साथ जुड़ते रहे और हम और भी आगे बढ़ते रहे। ये देख रहे थे आप अपना शहर, आपका शहर और आपके विचार। रोहन सरकार जी दे रहे थे अपना विचार यहाँ के राजनीति के व्यवस्था, जो यहाँ के MP MLA हैं, आप उनसे कितना सेटिस्फाइड हैं? और लगे हाथ ये बताइए कि युवाओं के बारे में रोजगार से संबंधित कोई काम यहाँ के विधायक हो या MP कुछ ऐसा दिख रहा है कि उनको इस दिशा में भी काम करना चाहिए? सर, वो तो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक आपने पूछा है, सेंसिटिव इन द सेंस कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेरोजगारी, और ये सिर्फ हमारे शहर में ही नहीं, पूरे भारत में इसकी बहुत स्कैरसिटी है। पर अगर आप बात करें बेरोजगारी की, तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, पर एक चीज का एक इम्पॉर्टेंट सूचना देना चाहूंगा मेरे जितने भी भाई बहन है जो इस वक्त सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो ये है कि अभी एक नया टॉपिक शुरू हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट की दुनिया, चाहे इस वक्त आप जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में देख रहे हैं, तो इसके पीछे भी हमारी, जिसने ये, हम लोग जो यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, इसके पीछे हमारी भी कोई प्लानिंग है। तो अगर आप इस चीज को भी, डिजिटल मार्केटिंग का फायदा उठाकर, इंटरनेट का फायदा उठाकर कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो उससे भी आपको बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और एक नया अपॉर्चुनिटी है सारे यंगस्टर्स के लिए, और ना कि सिर्फ यंगस्टर्स के लिए ही नहीं, सारे लोगों के लिए जो कि डिजिटल होना चाहते हैं, डिजिटल पे आना चाहते हैं, और हमारे जैसा जो हम लोग इस वक्त बना रहे हैं वीडियो बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं यही कहूंगा कि प्लीज आप भी ट्राई करें, अगर आप बेरोजगार बैठे हैं तो ये चीज बहुत ही अच्छी है। नए लोगों को, आप जो जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं, नए लोग को अगर इंटरेस्ट है कि वो आपके साथ जुड़े, वो भी एक्टिंग में इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए आप मौका दे रहे हैं क्या? उनके लिए, एक आम लोगों के लिए तो आप पुराने हो गए, कितने साल से आप अपने हॉबी के ऊपर काम कर रहे हैं? सर, मैं करीबन दो साल से मैं इस फील्ड से जुड़ा हूँ, अगर आप वीडियोज बनाने की बात करें, 2 साल से मैंने शुरू किया है। कितनी सफलता अभी तक मिली है आपको? सफलता तो सर अभी काफी मिलनी बाकी है, अभी तो मैं कहूंगा कि सफलता मेरे हिसाब से नहीं मिली है, फिर भी अगर आप सब्सक्राइबर्स की बात करें, 1.27K मेरा चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, और काफी सारे वीडियोस में 5,006K व्यूज आते हैं, पर अभी सफलता मिलनी बाकी है। अच्छा, आगे जो है, नए लोगों को बताइए इस फील्ड में जुड़ना हो तो क्या करे वो? बस खुद पे भरोसा कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए और लोगों की बात कम सुनिए। लोगों की बात कम सुनिए, ये समझ में नहीं आया। मैं बता दूं कि अभी हम लोग रोहन सरकार से बातचीत कर रहे हैं, और कार्यक्रम का नाम है आपका शहर आपका विचार। आपके शहर आपके विचार में रोहन जी से हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि रोजगार के अवसर क्या यहाँ के जो नीति निर्धारक करने वाले लोग हैं, जो पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जिनको जूझना है इस बेरोजगारी की समस्या से, वो क्या इस दिशा पे कोई काम कर रहे हैं?
हम लोग रोहन जी बोकारो से हैं, तो बोकारो में कौन से लोग हैं जो रोजगार के ऊपर काम कर रहे हैं, काम कर भी रहे हैं कि नहीं, बेरोजगारी समस्या बोकारो में है कि नहीं, यहाँ के एमपी एमएलए क्या कर रहे हैं, इस दिशा में कुछ काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि बिहार में दिया जा रहा है आश्वासन कि 10 लाख की नौकरी जो है दूंगा, तो कोई कर रहा है 20 लाख दूंगा, तो क्या यहाँ बोकारो के विधायक और एमपी भी कर रहे हैं कि ट्रेनिंग कम से कम 500 लोगों को दूंगा, 1000 लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, नौकरी नहीं दूंगा तो इस तरह की व्यवस्था करवाऊंगा। गवर्नमेंट की भी तो बहुत सारी स्कीम है, इसके बारे में बताइए क्या होना चाहिए। यहाँ पे रोजगार एक मुद्दा होना चाहिए। डिजिटल मार्केट तो आपने बताया वो ठीक है, लेकिन आम आदमी, हर आदमी डिजिटल से नहीं जुड़ा है, कुछ लोग जो है गांव देहात में, उनके लिए क्या डिजिटल के अलावा भी और क्या करियर ऑप्शन हो सकता है? युवा क्या करे रोजगार के लिए, प्रश्न यह है कि आज का युवा क्या करे? देखिए सर, रोजगार के लिए युवा क्या करे? देखिए सर, अगर आप गांव की बात करें या गरीब लोगों की बात करें, तो आई थिंक काफी गरीबों के पास भी आजकल फोन आ गए हैं, फोन आजकल सबके पास है। पर हाँ, अगर फोन नहीं है तो फिर भी मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा काम करना चाहिए इस पर, क्योंकि भारत देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और लोग 3 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसको लेकर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ ऐसे स्कीम्स बनाने चाहिए कि कम से कम जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो जिनको 3 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है, तो कम से कम उनको लेके एक बहुत ही हार्ड स्कीम बनाना चाहिए, एक अच्छा कोई योजना शुरू करना चाहिए जिससे कम से कम ये प्रॉब्लम ना हो। और मैं जहाँ तक डिजिटल मार्केटिंग की सर बात कर रहा था, मैं फिर से कुछ लाइनें कहूँगा उसको लेकर कि सर, इसमें ये नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में आपको कैमरा चाहिए, माइक चाहिए। एक साधारण फोन से, अगर सोच लीजिए गांव में किसी को कुछ खाना बनाने आता है बहुत ही अलग टाइप का, या कोई गांव में मैंने सुना है मटका बनाया जाता है, तो ये सब जो है डिजिटली भी, आप आजकल की दुनिया में डिजिटली भी उस चीज को गांव के लोग, क्योंकि वो लोग स्पेशलाइज होते हैं, बहुत स्पेशलाइज होते हैं इन सब चीजों को लेके, पॉट बनाना, खाना बनाना, सब्जी जो किसान होते हैं वो सब्जी वगैरह किस तरह से निकालते हैं, तो वो सब आप दिखाकर भी यूट्यूब पे। हम लोग बातचीत कर रहे हैं रोहन सरकार जी से बातचीत कर रहे हैं, और टॉपिक ये है कि आपका आपका शहर आपके विचार में यहाँ पे बोकारो में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए क्या रोजगार के ऊपर काम हो रहे हैं, क्या लोगों को रोजगार मिल रहे हैं क्या, इन तमाम बातों की चीजें जो है जानकारी हम लोग रोहन सरकार से ले रहे हैं। मैं बता दूं कि रोहन जी जो है, इनकी रुचि जो है, इनका पेशा जो है एक्टिंग है, और एक्टिंग से रिलेटेड पिछले 2 सालों से ये अपना वीडियो बना रहे हैं, इनका टीवी चैनल भी है, अच्छे खासे इनके व्यूअर्स हैं, इनके सीरियल्स को पसंद किया जा रहा है, और आने वाले समय में इन्हें उम्मीद है कि काफी अच्छा ये ग्रो करेंगे। तो रोजगार के क्या अवसर होने चाहिए बोकारो में, इसके बारे में बताइए। यहाँ के एमपी एमएलए आपको दिख रहे हैं, जैसे दूसरे जगह के लोग बोल रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख देंगे, कोई 2 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है रोजगार के ऊपर बोकारो में? सर देखिए, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, जो सच है वो सच है कि मुझे उतना डीप नॉलेज नहीं है, और किसी भी चीज में मुझे अगर कोई डीप नॉलेज नहीं है, ऊपरी ज्ञान है, तो मैं कभी उस ज्ञान को नहीं बांटता हूँ। पर मैं इतना ही बोलूंगा कि रोजगार के लिए गवर्नमेंट को बहुत, अभी भी बहुत सारे लोग बेरोजगार है और अच्छा अच्छा स्टेप्स लेना बाकी है, और गवर्नमेंट की तरफ से मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में नए योजनाएं और नए ऐसे ऐसे फील्ड्स को खोल दिया जाएगा जहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं अपने आप को उसमें डाल के रोजगार कमा सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। कुछ फैमिली के बारे में बताइए, आप कितने भाई बहन हैं? मेरे फैमिली में मैं हूँ और मेरे एक बड़े भाई हैं और मेरे मम्मी पापा और दादी हैं। आप अपने दुकान के बारे में कुछ बताइए, क्या क्या कुछ ऐसी ये चीजें हैं जिसको हर आदमी को जानना चाहिए कि आपके पास क्वालिटी अच्छी मिलती है, प्राइस अच्छी मिलती है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं आपके दुकान के बारे में? हाँ सर, जो यूनिक है वो बताइए। पहली बात तो ये कि मेरा दुकान बहुत अच्छा है, जो कि सबके लिए। दुकान का नाम बताइए और लोकेशन बताइए। बोकारो ऑप्टिकल्स, चास नियर, आप कह सकते हैं कि गरगा पुल।
ठीक है, तो हमारे दुकान में आपको एक दुकान है बोकारो ऑप्टिकल्स, जहाँ पे आपको हर तरह के चश्मे मिलते हैं, सनग्लासेस मिलते हैं, न्यू सनग्लासेस, स्टाइलिश सनग्लासेस, तो जिसको पहन के जो यंगस्टर्स है, जो आपके मम्मी पापा है, हर तरह के एज के लिए अलग अलग स्पेक्स मिलते हैं, तो आप जरूर आए एक बार ट्राई करें। अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो आप मत लीजिएगा, पर मुझे पूरा यकीन है कि आप आएंगे तो जरूर पसंद आएगा, तो एक बार प्लीज आप आइए। दो दुकान में से आपने एक कहा ऑप्टिकल्स की दुकान है और एक स्पोर्ट्स की दुकान। हाँ, एक स्पोर्ट्स की दुकान। स्पोर्ट्स की दुकान में आपको हर तरह की स्पोर्ट्स की सामाने मिलेंगी, चाहे आप स्पोर्ट्स शू की बात करें, चाहे बॉल्स की बात करें, चाहे आप बैट्स की बात करें, रैकेट्स की बात करें, हर तरह की चीजें जो स्पोर्ट्स में अवेलेबल होती हैं वो हमारे दुकान में आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो प्लीज आप अपने भाई के लिए, अपने भैया के लिए, अपने किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, खुद अगर इंटरेस्टेड, आपका प्रोफेशन स्पोर्ट्स है, तो जरूर आप हमारे शॉप में पधारें। रोहन सरकार जी, बिहार से रिलेटेड हैं आप, रुचि लेते हैं बिहार में? सर मैं तो झारखंड में हूँ, झारखंड में ही मेरा जन्म हुआ है और झारखंड से मैं हूँ। बिहार में अभी जो है यही रहते हैं। हाँ ठीक है, एक मिनट। ये जो है रोहन जी, ये बताइए, सुने तो होंगे ये इलेक्शन का समय अभी, तो बिहार में जो है नीतीश जी हैं और आपके लालू पुत्र जो हैं तेजस्वी जी हैं, इसमें से किसको आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं बिहार में? बिहार में सर मुझे तो, अगर आप पूछे तो मैं मुझे ऐसा दोनों में से कोई ऐसा लोकप्रिय तो है नहीं, पर मैं बस यही कहूंगा कि जो भी जीते मैं उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूं, और मैं उनसे विनती करता हूं कि आप पूरी तरीके से मेहनत करें अपने देश के लिए। दोनों को मैं कह रहा हूं, लालू जी और तेजस्वी जी दोनों को कह रहा हूं कि मेहनत करें और देश का भला करें। थैंक यू। पूरे दुनिया को आप कोविड के बारे में कोई संदेश देना चाहते हैं क्या, कि डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बेकार है, फालतू है, क्या आप संदेश देना चाहते हैं कोविड के बारे में, आपकी धारणा क्या है? नहीं, मैं सबको कहूंगा कि सुरक्षित रहें, दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, जब भी आप बाहर निकल रहे हो तो मास्क हमेशा पहने, और जो आपके मॉम डैड है, कभी कभी ऐसा होता है कि मॉम डैड कभी किसी के सुनते नहीं है, उतना ध्यान नहीं देते, पर हमारे जैसे जो यंगस्टर्स है हमेशा इंटरनेट से जुड़े, जानते हैं कि क्या गलत हो सकता है COVID-19 के, अगर आप गिरफ्त में आए तो क्या क्या खराबी आपके साथ हो सकती है, तो प्लीज अपने मॉम डैड को भी संभाले, खुद को भी संभाले, और जब बाहर निकल रहे हो मास्क पहनो, दूर रहो लोगों से, और सैनिटाइजर जरूर लगाओ। तो ये चीजें हैं। 6 महीने में क्या क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको उतना अच्छा नहीं लगा, कोविड के चलते क्या परेशानियां हुई या फिर क्या एडवांटेज हुआ, इसके बारे में कुछ बताएंगे? परेशानियां भी बहुत हुई, एडवांटेजेस भी बहुत मिली, तो मैं एडवांटेजेस की बात करूंगा, परेशानी तो हमेशा जिंदगी भर रहती है, तो जो मेरे साथ अच्छा हुआ वो मैं बताना चाहूंगा कि सर 6 महीना जो मैं घर में रहा हूँ, सोचने का बहुत समय मिला कि मैं अपने लाइफ को लेकर क्या कर सकता हूँ, क्या किस चीज में मेहनत कर सकता हूँ। जैसे कि सर मैंने बहुत सारे वीडियोज ऐसे देखे YouTube में जो कि बहुत ही लाभदायक थे, उन्होंने मुझे बहुत सारे सजेशंस दिए कि आप आगे लाइफ में क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्टिव वीडियोज मैंने YouTube में देखा, जो कि मैंने पहले भी कहा कि YouTube आजकल के जमाना में बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है सारे यंगस्टर्स के लिए, और भी कई सारे चीज़ें हैं, चाहे वो खाना से लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, तो बहुत सारी चीज़ों में मैंने इम्प्रूवमेंट किया है इस 6 महीने के दौरान। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।